तो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ ये क्यूट सा डॉल हाउस जो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल VZP। तो चलिए अब फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं इन सप्लाइज़ का यूज़ करके डॉल हाउस बनाने वाली हूँ। ये सारी चीज़ें इत्सी बित्सी से मैंने मंगवाई हैं। आप देख सकते हैं इसमें आपको बहुत ही क्यूट से ये ब्रिक के डिज़ाइंस मिलते हैं। ये आपको कलर करके मिलते हैं तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालनी है। उसके बाद आपको इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के ब्रिक्स अवेलेबल हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस के विंडोज़, डोर्स, मेन गेट जो होता है वो, पोर्च, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर सर्च कर सकते हैं एंड देख सकते हैं। ये आपको ब्लैक एंड वाइट सीमेंट भी है एंड डिफरेंट शीट्स हैं फ्लोरिंग के लिए। एंड इसके साथ आपको मिलता है एक फोम बोर्ड। इसे आप बहुत ही ईजली क्राफ्ट नाइफ की हेल्प से कट कर सकते हैं। इसे आप एज अ फ्लोर यूज़ करिए या फिर एज अ रूफ़ आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही ईजी है इसे कट करना, तो अब चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने थोड़े से ब्रिक्स ले लिए हैं एंड इन्हें मैं यहाँ पे स्टिक करूँगी। स्टिक करने के लिए मैंने एक पैटर्न यहाँ पे फॉलो किया है एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे ये ब्लैक सीमेंट यूज़ किया है एंड इससे मैं यहाँ पे एल शेप के बहुत सारे ब्रिक्स को यहाँ पे अटैच कर लूँगी। मतलब दो ब्रिक्स को जोड़ के मुझे एल शेप बनाना है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे बहुत सारे एल शेप रेडी कर लिए हैं। अब इन्हें आपस में मुझे स्टिक करना है। तो एक्चुअली में मुझे कॉर्नर्स बनाने हैं जिसमें हम zigzag पैटर्न फॉलो करेंगे। मतलब एक साइड लंबी ब्रिक होगी, फिर उसके ऊपर वाली छोटी होगी, फिर उसके ऊपर वाली लंबी होगी। तो उस तरीके से हम ऑड इवन करते हुए हम इसे बनाएंगे। यार लेकिन एक एक ब्रिक को इस तरीके से जोड़ने में मुझे आलस आ रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ शॉर्टकट मारा जाए। तो चलो ऐसे फटाफट से सारे ब्रिक्स को जोड़ लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है ये MDF का डोर। ये भी आपको उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं। एंड इसे आप अपने किसी भी फेवरेट कलर से पेंट कर लीजिए। इसके बाद मैं यहाँ पे OHP शीट यूज़ कर रही हूँ जो कि कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास कोई भी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक है, शीट है, अच्छी थोड़ी सी थिक चाहिए वो है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो अब इसे स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ पे सिलिकॉन ग्लू एंड हॉट ग्लू गन का भी यूज़ किया है। आपको इन दोनों में से ही कोई यूज़ करना पड़ेगा, बट आप प्रेफर करिए कि आप हॉट ग्लू गन का ही यूज़ करें क्योंकि वो तुरंत स्टिक हो जाएगा, तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा। इसके बाद जो एक्स्ट्रा बीच में आ रही है ये OHP शीट, उसको मैंने कट कर दिया सो दैट कि जो ये डोर है इसे मैं ओपन कर सकूँ। अब उसके बाद सारे जो भी OHP शीट्स हैं उनको हम आपस में स्टिक करते जाएंगे। मतलब मैंने यहाँ पे एक्चुअली मैं पेंटागॉन का शेप लिया है। आप स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल कोई भी शेप बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ इस तरीके से सारे वॉल्स को स्टिक करके यहाँ पे एक पेंटागॉन का शेप बना लिया है। अब जो इसका फ्लोर है वो बनाने के लिए मैंने इसको ही एज अ स्टेंसिल यूज़ किया है एंड अपनी फोम बोर्ड के ऊपर मार्क करके कट कर लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ पे ये कुछ नेट के लेसेस लिए हैं एंड इन्हें मैं अंदर की तरफ स्टिक कर दूँगी सो दैट कि आपको लगेगा कि ये एक कर्टन है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ग्लूगन और सिलिकॉन ग्लू का मैंने यूज़ किया है, तो जहाँ पे जिसकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग मैंने यूज़ किया है एंड कुछ इस तरीके से मैंने सारे लेसेस को यहाँ पे स्टिक कर दिया है। अब हम फ्लोर एंड रूफ़ को रेडी करेंगे। तो जैसा कि मैंने ये शेप कट किया है, अब इसके ऊपर जो हमारे पास स्टिकर था उसे स्टिक कर देंगे। तो ये आपको बेसिकली फ्लोरिंग के लिए ही ये स्टिकर्स अवेलेबल हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रिंट्स बने हुए हैं, तो कुछ इस तरीके से मैं इसे यहाँ पे स्टिक कर दूँगी। अब इसके बाद जो मेन एंट्रेंस का गेट था उसे भी हम पेंट कर लेंगे। तो इसे पेंट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ चॉक पेंट। आप कोई भी एक्रेलिक कलर यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है।
तो ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने इत्सी बित्सी से मंगाए हैं। इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं एंड आपको एक्स्ट्रा 5% ऑफ भी मिल सकता है अगर आप मेरा कूपन कोड खुशबू 5 यूज़ करते हैं। तो सारे डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, चेक करना ना भूलें। अब नेक्स्ट थोड़े प्लांट्स एंड ग्रास बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये ग्रीन पेपर का यूज़ किया है। तो कुछ इस तरीके से पतले पतले स्ट्रिप्स हम कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 1.5 सेंटीमीटर ही रखा है एंड इसके बाद अब हम इसे यहाँ पे स्लिट करेंगे। तो हमें बेसिकली यहाँ पे ग्रास का शेप कट करना है, तो इसके लिए कुछ इस तरीके से हम इसे कट कर लेंगे एंड कट करने के बाद हमें इसे रोल करना है। तो इनिशियली मैंने टूथपिक की हेल्प से इसे रोल किया है, बहुत ही ईजिली आप इसे रोल कर सकते हैं। तो हमारा प्लांट तो रेडी हो गया है, अब पॉट भी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये कुछ वुडन बीड्स यूज़ कर रही हूँ एंड ग्लू गन की हेल्प से मैं अपने इस प्लांट को इसके अंदर स्टिक कर दूंगी। तो हमारा ये क्यूट सा मिनिएचर प्लांट रेडी है। अब हम चलते हैं आगे। तो अब मैं छोटे छोटे हार्ट शेप यहाँ पे ढेर सारे ड्रॉ कर लूँगी, फ्री हैंड ड्रॉ कर रही हूँ एंड मेरे पास कोई ऐसा कटर भी नहीं है कि मैं एक साथ बहुत सारे कटिंग्स निकाल लूँ, तो मैंने सीज़र से ही कट किया है। उसके बाद जो ये क्रीम वगैरह की बॉक्स होती है, जो कंटेनर होता है, उसके ऊपर एक छोटी सी ट्रांसपेरेंट कभी कभी एक कैप होती है, तो उसको मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे एज अ प्लांटर। तो यहाँ पे जूट रोप की हेल्प से मैं इसे पूरा कवर कर दूंगी। मैंने इसके ऊपर जूट रोप कुछ इस तरीके से स्टिक कर दिया है सो दैट कि ये एक प्लेट प्लांटर का लुक दे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ हैंगिंग प्लांटर। अब अंदर जो हमारे प्लांट्स हैं वो हैंग होने हैं, तो इसके लिए यहाँ पे मैं कुछ एम्ब्रॉयडरी थ्रेड का यूज़ कर रही हूँ। आप अगर पतली जो वायर आती है ना फ्लावर मेकिंग के लिए, उसका भी यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी और कलर का, लाइक डिफरेंट शेड ऑफ ग्रीन या फिर ब्राउन कलर के भी थ्रेड्स का यूज़ कर सकते हैं। एंड इसे स्टिक करने के बाद मैंने इसके ऊपर जो हार्ट शेप मैंने कट किए थे उन्हें स्टिक कर दिया है। अब इसके बाद हम बनाएंगे अपना एक टेबल और चेयर। तो इन्हें बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये कैवेंटर की कैप और जो सॉस वगैरह की जो आती है ना, वो छोटी छोटी बॉटल्स, उनके कैप्स मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं। लेग्स के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किए हैं ये टूथपिक एंड ग्लू गन की हेल्प से इन्हें मैं फटाफट से स्टिक कर दूंगी। तो यहाँ पे मैंने इन्हें कलर नहीं किया है क्योंकि ये तीनों ही ब्लैक थे एंड जो कैवेंटर्स की बॉटल है उसके ऊपर एक अच्छा सा कोट लिखा था, तो कैफ़े के ऊपर तो वैसे भी कुछ ना कुछ कोटेशंस तो लिखे ही होते हैं, तो काफ़ी क्विर्की लुक दे रहा था, तो इसलिए मैंने इन्हें पेंट नहीं किया। अब इसके बाद थोड़े वॉल हैंगिंग्स बनाने हैं, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे, ये मेरी एक बहुत पुरानी इयररिंग है, मतलब जब टीनेज होते हैं ना उस टाइम पे ऐसे चटर पटर चीज़ें खरीदते हैं ना, तो ये उस टाइम की चीज़ें हैं। तो इसकी जो वो क्या बोलते हैं उसे, मुझे याद नहीं आ रहा है, उसे मैंने निकाल दिया जो मेटल था। एंड उसके बाद एक यहाँ पे मैंने फेक वॉल बनाया है एंड इसके ऊपर मैं अपनी ये सारी पीसीस को स्टिक कर दूँगी। तो आजकल तो वैसे भी इसी टाइप की चीज़ों से डेकोरेट करते हैं, लाइक वॉल प्लेट्स वगैरह एंड एंटीक्स। तो ये सारे मेरे इयररिंग्स हैं, इन सब की मैंने पीछे की जो डंडी होती है उन सबको तोड़ दिया है क्योंकि वैसे भी ये वेस्ट ही है मेरे पास, तो मैंने सोचा कि चलो इन्हें रीयूज़ किया जाए। तो कुछ इस तरीके से इसे मैंने यहाँ पर स्टिक कर दिया। अब हमें बनानी है लैम्प। तो लैम्प बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये बड़ी बीड यूज़ की है एंड ये सारी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी थी, दिवाली के टाइम पे मैंने ये सारी चीज़ें परचेज़ की थी, तो उसी में से थोड़ा मोड़ा बचा हुआ था तो उन्हें ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। तो अब फटाफट से सारी चीज़ों को हम असेंबल कर लेंगे। मुझे यहाँ पे एक और एडिशन करना था, जैसे कैफ़े के बाहर ओपन एंड क्लोज का जो बोर्ड होता है वो मुझे लगाना था, बट फिर मुझे आलस आ गया इसलिए मैंने उसे ऐड नहीं किया। अगर आप बना रहे हैं तो उसे ऐड ज़रूर करिएगा। तो बस हमारा मिनिएचर डॉल हाउस कैफ़े रेडी है।
तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का ये क्यूट सा वीडियो अच्छा लगा हो। इफ़ येस, डू लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।